निधि, ये साड़ियाँ तुम्हारी सास के लिए लाई हूँ, ध्यान से उनको दे देना। माँ, मुझे उस घर में नहीं जाना, आप मुझे अपने पास ही रख लो ना, मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। मैं परेशान हो गई हूँ उस घर में, मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी बिल्कुल। रोज रोज की मारपीट, गाली गलौज, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी मुझ तक तो ठीक था, लेकिन आप लोगों को भी उल्टा सीधा बोलते हैं, बोलते हैं तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है, गाली गलौज करते हैं। मैं मुझ तक तो सुन सकती हूँ, लेकिन आपके बारे में नहीं सुन सकती। मम्मी मुझे मत भेजो ना, आप जैसे बोलोगी मैं वैसे रह लूंगी यहाँ पर। मेरे पति सास की बातों में आके मुझे बहुत मारते हैं, और कभी कभी तो मुझे बहुत सुनाते हैं। मेरे उस घर में कोई नहीं सुनता, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तक नहीं देते हैं। मुझे तो ये पता भी नहीं होता है कि मेरी आखिर गलती क्या है। मम्मी मुझे पता है आप ये गिफ्ट क्यों देती हो, पर आप उन्हें कुछ भी दे दोगी ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मम्मी मैं ना तुम पे बोझ नहीं बनूंगी, अपना कमा के खा लूंगी। मुझे प्लीज मत भेजो ना उस घर में, प्लीज मम्मी, मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी उस घर में। बस कर बेटा, अब मत रो, दुनिया का दस्तूर ही यह है, औरत को कुछ ना कुछ रूप में सहना ही पड़ता, लड़कियों को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। उस घर से ही तेरी पहचान है, भगवान ने तेरे लिए वही घर चुना है, और दामान जी को तेरे पति के रूप में चुना है, इसलिए तू चुप हो जा। बेटा, भगवान ने जो हमारे लिए चुना है वही हमारी किस्मत है, उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, भाग नहीं सकते। बेटा ऐसा नहीं है कि सब दिन ऐसे ही रहेंगे, एक दिन समय बदलेगा और तू खुश रहेगी उस घर में। अपना घर, अपना पति, उसे छोड़ने के लिए सोचना ही है पाप है हमारे लिए। बेटा बेटा ऐसा मत करना, नहीं तो ये समाज, हमारे रिश्तेदार सब हम पर थूकेंगे। बेटा हम कैसे जी पाएंगे, और सोच जरा, ये तेरा भाई है, इसकी शादी कैसे होगी। हम औरतों को नसीब के साथ समझौता करना ही पड़ता है। बेटा अभी तू छोटी है, सब समझ जाएगी धीरे धीरे। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, आप दिन भर हम दोनों को अपने जिगर का टुकड़ा बोलती हो ना, तो अपने जिगर के टुकड़े को जानबूझकर आग में कौन ढकेलता है। और पिछले कई सालों से आप निधि को उसके ससुराल भेज देती हो, और सब कुछ जानते हुए भी उससे ऐसा बोलती हो कि यही तेरा नसीब है, और निधि भी चुपचाप अपने नसीब को कोसते हुए उसके ससुराल चले जाती है। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेगी तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी, और इस घर में किसी की शादी नहीं हो पाएगी। बस यही बात है ना, इसके अलावा आपके पास कोई वैलिड या स्ट्रॉन्ग रीज़न है। मम्मी सिर्फ सोसाइटी में नाम बनाने के लिए मेरी छोटी बहन का बलिदान मत दो आप। तो आज ना मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये हाल निधि का भी हो सकता है। आप जानती हो ये कौन थी, ये भी मेरी दोस्त थी, ये भी अपने ससुराल वालों से बहुत पीड़ित थी, इसके साथ देने वाला कोई भी नहीं था। तो आप अभी समझा रही हो ना, ऐसे इसकी माँ भी इसको समझाती थी कि बेटा यही तेरा घर परिवार है, तुझे वहीं रहना है, और ये सब तुझे सहना पड़ेगा। तो देखो ना, इसने अपने आप को मुक्ति दे दी। जैसे निधि आपको बता रही है ना, ऐसे ही इसने भी सबको अपनी पीड़ा बताई थी, लेकिन उस समय किसी ने इसका साथ नहीं दिया, तो उसने मौत को गले लगाकर सारी बंदिशों को तोड़कर खुद को आज़ाद कर दिया। बहुत डर लगता है, रात को नींद नहीं आती है, यही सोचता है कि कभी दीदी ने भी ऐसा कदम उठा लिया तो हम क्या करेंगे। आप इनकी हालत देखो, कितनी खुश रहती थी, अपन सबको भी कितना खुश रखती थी, लेकिन क्या आपको पता है आखिरी बार ये कब खुश हुई थी और अपन सब कब मुस्कुराए थे। इसकी ऐसी ये धीरे धीरे डिप्रेशन में जाती जा रही है, इसको हमारे साथ की ज़रूरत है मम्मी, हमारे साथ की। जब उस घर में इनकी इज्जत ही नहीं है, किसी को इनसे लगाव ही नहीं है, कोई इनका ध्यान ही नहीं रखता है, तो फिर क्यों उस नर्क में भेजना है, उन जानवरों के हवाले क्यों करना है। माँ मम्मा इसे रोक लो, इसको नसीब के सहारे मत छोड़ो, वरना मम्मी इसने कुछ कर लिया ना
तो आप खुद को माफ नहीं कर पाओगी और मैं भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। बेटा अब मत रो, ये समाज और रिश्तेदारों का डर हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम अपने बच्चों का दुख नहीं देख पाते। भाड़ में जाए ऐसी इज्जत जिसकी कीमत बेटियों की जान देकर चुकानी पड़े, नहीं जाएगी तू वहाँ। बेटा तू अनाथ नहीं, मैं हूँ तेरे साथ।